नमस्कार दोस्तों, आज हम सिखाने वाले हैं आपको इनक्राइन प्लान कैसे बनाते हैं। तो हमारे पास है ऑथर सदाब और ये आप सीख रहे हैं। तो सबसे पहले आपको तारना है लाइन आपके डायमेंशन के हिसाब से। तो हमारा मेन डायमेंशन लाइन है 100 एमएम का। तो वो सबसे पहले हम ले लेंगे एक अल्टरनेट इंसिडेंट लाइन तान के, ठीक है। इस लाइन को डार्क करना है। फिलहाल हम पेन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप पेंसिल यूज़ करते हैं ताकि वो हमारा 100 सेंटीमीटर है, 80 सेंटीमीटर है। 100 सेंटीमीटर, ओके, वो हमारा 100 सेंटीमीटर लाइन है, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन के हिसाब से 30 का डिस्टेंस लेके 30 का लेना है अबे। 30 ले रहा तुम, नहीं कर रहा अबे। लेकिन सर हमको एक गड़बड़ी लग रही है। क्या देख, 30 से ये भी 35 ही रहेगा। देख इधर 30 होगा, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है। नहीं, हम 30 सब में लिए, कॉलेज में 30 लिए। अच्छा, यहाँ पर 35 ले तो नीचे में प्रॉब्लम आएगा क्या? फिर एक रहा आपको हम बता देते हैं, ये वाला है हमारा साइड व्यू, जिसके वजह से हम लोगों को इसका हाइट 30 दिखेगा जब हम देखेंगे। तो इसलिए 30 बनाना पड़ेगा हमें यहाँ से, यहाँ का डिस्टेंस। उसके साथ ही हमें नीचे का डिस्टेंस जो रहेगा उसे 35 लेना पड़ेगा, क्योंकि उसे जब टॉप से देखेंगे तो उसका ऑटोमेटिकली 35 हो जाएगा। इसी साथ आगे बढ़ते हैं। ओके, नीचे का हाइट ले लीजिए 80, मार्क कर लीजिए, और ऊपर का मार्क कर लीजिए 100। तो आप ये डार्क लाइन दे सकते हैं, यही हमारा मेन लाइन है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। पलक तक चल, इसको ऐसे लाइन को ज्वाइन कर दीजिए 80 और 100 का। पलक तक चल साथ मेरे, उसके बाद हमें आगे बढ़ना है। रुकिए सर, आप इसका ये डेड डैश लाइन भी टान लीजिए और नीचे तक फैसा दीजिए। तो अब हमें यहाँ से टानना है डेड डैश टेस्ट लाइन, साइड से भी और बाकी जगह से भी। तो ये लाइन डॉट डॉट लाइन रहेगा, मतलब डैश डैश लाइन रहेगा। फिलहाल आपको दिखाने के लिए हम लोग लाइन सीधा टान रहे हैं। चलो, अच्छी बात है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इस इमेज में सेम काम इसे इस तरफ भी कीजिए और आगे बढ़िए। इसका कोई लेंथ नहीं रहता है फिक्स, इसे नीचे लेके जाइए। हमें इसके लेंथ में, लाइन में हमें लेंथ बाद में लेना है, फिक्स करना है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, देखिए इसे देखने के लिए लग रहा है पूरा 3D है। चलिए 3D है। तो अब हमें लेना है कंपास, और कंपास को ध्यान से देखिए। एक मिनट, कंपास के नोक को यहाँ पर रख के और उसको यहाँ पर सेट करके आपको ऐसा राउंड मारना है। ध्यान से देखिएगा, ओके, ये राउंड मार दिया, ओके। हमारा आर्क डिस्टेंस रहेगा वही, यहाँ से यहाँ तक का आर्क डिस्टेंस रहेगा हमारा। सेम काम इधर भी कीजिए, फटाफट कीजिए यार, क्या देख रहे हैं। ओके, तो अब ये हुआ ख़त्म काम। अब इसको हम लोग एक्सटेंड करने वाले हैं इस लाइन को नीचे की तरफ। ओके, ये लाइन हुआ एक्सटेंड, ये लाइन हुआ एक्सटेंड, ओके। इसी के साथ लाइन एक्सटेंड करने के बाद आप देख सकते हैं कैसा दिखेगा, बिल्कुल ऐसा दिखेगा। तो अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ से यहाँ तक का मतलब जितना भी डिस्टेंस आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। डिस्टेंस लेने के बाद आपको फिर से 100 सेंटीमीटर का, 100 मिलीमीटर का, ओके, 100 मिलीमीटर का एक लाइन तानना है, और उसके बाद उस लाइन को डार्क कर देना है। नेक्स्ट मैं आगे बढ़ना है, वहाँ से हमें 35 का डिस्टेंस लेना है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम उसे टॉप से देखेंगे तो उसका ओरिजिनल लेंथ हमें दिखेगा, जो कि 35 होता है। तो हम वहाँ से 35 का डिस्टेंस लेंगे और फिर से स्ट्रेट लाइन लेंगे, जो कि सिर्फ 80 सेंटीमीटर 80 मिलीमीटर का रहेगा।
इसको डार्क कर दीजिए अब लाइन खींच के। आप लाइन को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ये लाइन हमारे बाद में बहुत काम आने वाली है क्योंकि हम जो ऊपर से फिर से आग लेंगे तो उस टाइम पे वहाँ पर कट आएंगे और वही हमें चाहिए। खैर ये नहीं रहे तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। जी हाँ वो आपकी मर्जी, अगर आपके पास है तो आप बना सकते हैं, नहीं है तो भी बना सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता, कोई देखने वाला नहीं है। ऐसे करने के बाद इन दोनों लाइन को आपको ज्वाइन कर देना है जैसे कि दिख रहा है। तो यहाँ से यहाँ का हाइट है आपको फिर से बता देता हूँ एक बार, 35 है और यहाँ से यहाँ का 30 है क्योंकि ये है हमारा साइड व्यू और ये हमारा है टॉप व्यू। इसे साइड भी कहें या फ्रंट भी कहें, इसे आप इसका सब साइड एक ही रहता है ना, इनक्लाइंड स्क्वायर है ना, इसलिए। फिर से कंपास लेना है और आर्क लेना है हमें वही, और वहाँ से यहाँ तक काटना है, इस लाइन पे कटना चाहिए, ध्यान से देखिए। उसके बाद उस लाइन को ज्वाइन कर दीजिए। ओके, जहाँ पर एग्जैक्टली कटा है एग्जैक्टली वहीं पर ज्वाइन करना है, आपको बता दें। ओके दैट्स नाइस, इस साइड में भी वही काम करना है आपको। इतना करने के बाद आगे बढ़ते हैं नीचे की तरफ। तो हमारे क्वेश्चन में ही दिया रहेगा हम लोगों को कि उसका जो है ब्रिज जो है उसका स्क्वायर मतलब रेक्टेंगुलर कुछ भी ट्रे हो इंक्लाइन ट्रे का उसका जो है 40 है। तो हमने उधर 40 मार्क किया और वहाँ से फिर से हम एक स्ट्रेट लाइन डालने वाले हैं, ठीक है। अब इस लाइन को फिर से मेक करके उसको मतलब डार्क कर दीजिए। अपना करने के बाद एक्सटेंड लाइन आप चाहे तो कर सकते, नहीं चाहे तो भी नहीं कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर 80 डार्क करना बोल दो। इधर 80 डार्क करना है, 100 नहीं चले जा रहा आदमी। हाँ वही मतलब 100 आपको नहीं जाना है, सिर्फ 80 जाना है और इस 80 को डार्क कर देना है, ठीक है। इसके साथ आगे बढ़ते हैं, हम नीचे का डिस्टेंस लेते हैं जैसे हमने ऊपर की तरफ यहाँ पर लिया था, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 35 लिया था, सेम चीज़ हमें नीचे की तरफ बनाना है। तो यहाँ से हम यहाँ का डिस्टेंस लेंगे 35। लेने के बाद आप फिर से 100 का लाइन टान दीजिए और उसको डार्क कर दीजिए। फलक तक जाना तो मेरे, ये बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है, आप इससे इंटरेस्ट नहीं हो। अगर आपको पसंद है तो क्वालिटी बनाने के लिए दवाई। हाँ अगर आपको रिंगटोन चेंज करना है, कोरोना वाला रिंगटोन चाहिए तो आप अपने ऑपरेटर को कॉल कीजिए और बोलिए कि हमको कोरोना वाला रिंगटोन चाहिए, हम क्या कर सकते हैं भाई। इसी के साथ आप फिर से उसको ज्वाइन कर दीजिए एज यूजुअल। ओके डन, इधर भी वही काम करना है आपको, देखिए ध्यान से। इतना करने के बाद हमारा फिगर कुछ ऐसा दिखेगा। फिर से आपको लेना है आर्क वहाँ से वहाँ तक का, मतलब समझ रहे हैं ना कहाँ से कहाँ तक का, उसको कर देना है ज्वाइन। वहाँ की वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है लेकिन अच्छे कामों के लिए टाइम लगता है, और ये तो बहुत ही अच्छा काम है क्योंकि हमें इससे मार्क्स मिलने वाला है। लेकिन भैया बोर ना हो और फटाफट करो। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, उस तरफ भी सेम हमें काम करना है, सेम कांड करना है। इतना करने के बाद हमें वापस से इन्हें छोड़ देना है। इतना करने का हमारा ड्राइंग कुछ ऐसा दिखने वाला है। ओके तो ये हमारा इंप्लांट रेडी हो गया, लेकिन अभी रेडी नहीं हुआ, हमें इसको भी डार्क करना है क्योंकि हमें यही पार्ट चाहिए कटने के लिए। डार्क कीजिए एक कितना, क्या नाम है आपका? सुदाब। सुदाब तो भूले गए, डार्क करना याद है बाद में। ओके इसे आप डार्क करने के बाद देखिए कुछ ऐसा दिखेगा, अच्छा सा दोनों साइड करना है। ओके डन डन डन, अब देखिए हमारा इमेज कैसा दिखेगा।
तो ये है हमारा इंक्लाइन रेखा फुल इमेज, आप इसमें डायमेंशन भी दे सकते हैं, नहीं देंगे तो भी चलेगा क्योंकि ये काट पीट करने वाला है। इसी के साथ हमारे ऑथर सर आपका हाय बोलने वाले हैं। हाय बोलिए कैमरा का, हाय बोलिए, हाय अच्छे से बोलिए।